अरसे बाद ऐसा हुआ है कि वो एक ऐसा कप्तान आया जो शायद पाकिस्तान में जिसको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो भाई उनकी उनको देखते हैं बिल्कुल। अब कभी अब उनकी टीम बन रही है भाई, हारिस नौफ आप देख रहे हैं ना, आज आप शाहिन शाह अफरीदी की बात करते हैं, शादाब गुड लेग स्पिनर, अब नवाज की मैंने उस दिन मैंने भी ट्वीट किया भाई, नवाज मेक और ब्रेक प्लेयर है उनकी टीम। तो अब हम उन प्लेयरों के बारे में जानना शुरू हुए हैं, उनको देख रहे हैं, रिजवान बाबर ये प्लेयर्स कम नहीं है, लेकिन अगेन जब ये मैदान पर आएंगे अच्छे, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आज बाबर आजम को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है बिल्कुल। और ये अरसे बाद ऐसा आया है जब उनके पास यूनुस खान थे, मिसबा थे, शोएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे, मतलब कुछ साल पहले तक ये लास्ट उनकी शायद गोल्डन जनरेशन थी, उस फिर बाबर आजम एक निकल के आए ना, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तूती। फाइनली आज वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और अभी नामीबिया और श्रीलंका का मैच खेला जा रहा है। जैसा कि किसी को उम्मीद नहीं थी, श्रीलंका को नामीबिया सही मुकाबला दे रहा है और एक अच्छा मैच हो रहा है, उम्मीद करते हैं इसी तरह पूरा टूर्नामेंट भी होगा। तो जैसा कि सैटरडे को सुपर 12 स्टेज शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच से, फिर इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच खेला जाएगा और फिर आएगा संडे, नेक्स्ट संडे, और संडे को सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रही है। तो इंडिया पाकिस्तान रिवाइवल पर क्या रिएक्शंस हैं, मीडिया क्या कह रहा है, वो आप सुनिए और देखिए कि क्योंकि अब कुछ दिन ही दूरी पर हैं। दोनों टीम्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों टीम्स अच्छी हैं, कोई भी टीम जीत सकती है। जैसा कि आपने देखा कि एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के दो मुकाबले हुए, दोनों बेस्ट हुए, दोनों ने एक एक जीता, तो ये है बिगेस्ट रिवाइवलरी। करता था इंडिया उनसे डरता था, फिर पिछले 20-22 साल में इंडिया उस हाईवे पे डल गया, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे प्लेयर कम होते गए होते होते गए, पाकिस्तान हाईवे से बाईपास चला गया, अब वो हाईवे पे आए हैं इंडिया। और ये मुझे बाबर की जो मैं 2-3 साल से ना सिर्फ उनकी क्रिकेट की बात करता हूँ या कप्तानी की बात करता हूँ, जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया, मैं उस लिहाज से देखूं आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि ये जर्नी है। और भाई पिछले साल आप जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ था तब तक आपका वर्चस्व उनके ऊपर था, आप पाकिस्तान को डोमिनेट करते थे, जो भी आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते थे आप उनको हरा देते थे। तो पिछले साल उस मैच से पहले अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाड़ी शायद हार से नहीं डर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था हार तो मिलनी है, वो लोग प्रिपेयर थे, शायद उनका मुल्क भी प्रिपेयर था, और क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे हार के लिए, भाई इंडिया में ना था कि पाकिस्तान से साथ क्यों खेलना है, पाकिस्तान से ताल्लुकात, ये सारी बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर ये बातें जब उनके ऊपर उन तक पहुंचती है तो उन पर असर तो होता ही है। आई थिंक उस चीज से ना पाकिस्तान निकल गया था, क्योंकि वो इतना हार रहे थे, इतना हार रहे थे, इतना हार रहे थे, शायद वो उस चीज से